इससे पहले मैंने कल्पना पंडित के साथ एक फिल्म की थी जोजो लाली, जो एक कन्नड़ फिल्म थी, जो एक शॉर्ट फिल्म थी, लेकिन वो शॉर्ट फिल्म का इतना बड़ा इम्पैक्ट रहा कि उस फिल्म पूरी दुनिया में हर फिल्म फेस्टिवल में चला गया एंड इट वेंट टूवर्ड्स वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल ऑल्सो। HIV/AIDS पे बनी थी, जो कल्पना पंडित को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला, मुझे बेस्ट स्टोरी अवार्ड मिला, मैं राइटर हूँ, एंड बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला, और फिल्म के एक छोटे से कलाकार को बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट मिला। तो वो फिल्म जब इतनी मतलब इतना इंपॉर्टेंस मिल गया उनको कल्पना पंडित को, उनको कीड़ा लग गया कि ओके एक बड़ा सा फिल्म करते हैं। तो शी टोल्ड मी विल डू अ फीचर फिल्म। उनकी पहली प्रोडक्शन थी हाउस ऑफ पंडित के बैनर तले, तो उन्होंने कहा हिंदी फिल्म करते, वो कन्नड़ फिल्म थी, आई एम अ ग्रेटेस्ट फैन ऑफ श्रीदेवी, कि मैंने ये जो कहानी लिखी श्रीदेवी को दिमाग में रख के लिखी थी, ना कि श्रीदेवी को अप्रोच करूँ, बस कल्पना पंडित को। तो स्क्रिप्ट लिखी और मैंने कल्पना पंडित को मेल भेजा और बोला मैंने कहानी लिखी है, आप पढ़ो कहानी। उन्होंने कहानी पढ़ा और फिर उनको लगा ये तो एकदम वेरी नाइस, देन आई सेड प्लीज ये मैंने श्रीदेवी को दिमाग में रख के लिखा है, तो आपको ये निभानी है टू कीप हर एक्सपेक्टेशंस। एंड जानलेवा इसलिए क्योंकि वो जानी जाती है जानलेवा गाने से, जो मोक्ष में उन्होंने अर्जुन रामपाल के साथ की थी। और 555 जो है वो मिस्ट्री एंगल है, वो वाई 555 पिक्चर देखे तो पता चलेगा आपको।